पहले तो बालों को ना इग्नोर करना क्योंकि अभी सोके उठ के आया हूँ, सो डोंट जज बाय दिस। अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 5:30 बज रहे हैं एंड सो गया था मैं यार दोपहर को, थोड़ा नींद भी जरूरी है। अगर इफ़ यू आर इन फिटनेस तो नींद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फिलहाल एक बार थोड़ा फिजिक अपडेट ले लेते हैं। कटिंग पे चल रहा हूँ अभी मैं, अभी ट्राइसेप्स बैक ऑन देखती हूँ। सो आज 19वां दिन है कटिंग। ये मैं सोच रहा है यार, कटिंग का नाम सुनते हैं लोग ही सोचते हैं स्टेरॉइड चल रहा है, पता नहीं क्या क्या सप्लीमेंट ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल कटिंग है। बस डाइट में थोड़ा चेंज कर दिया मैंने एंड जो एक्सरसाइज है वो सुबह शाम की जगह सुबह भी हो रही है, तो दो टाइम एक्सरसाइज हो रही है, थोड़ा कैलोरी ज़्यादा बर्न हो रही है, डाइट में फैट एंड कार्ब थोड़ा कम कर दिया, तो वही हमारी कटिंग है। कोई गेम वगैरह तो करते नहीं हम, जो भी इतना स्टेरॉइड्स पे जाएंगे या ज़्यादा इंस्टेंट वर्कआउट की चाहिए। यही चीज़ यार, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि यार यही चीज़ में बहुत लोग गलती करते हैं कि कुछ अगर फैट लॉस कर रहे हैं तो अपना यार उनको, क्योंकि ये शॉर्ट टाइम पीरियड नहीं है कि भाई आपका एक महीने में रिजल्ट आ जाएगा, इसमें लॉन्ग टर्म गेम है, इसमें 4-5 महीने लगते हैं, तो टाइम लगता है। एंड इस फिजिक आपको अगर एक लिमिट में फिजिक बनानी है तो उसमें 4 या 5 साल लोगों के यार लाइफ लग जाती है इसमें। बट कुछ लोग ऐसे हैं कि यार जिनको 15 दिन में रिजल्ट चाहिए, 20 दिन में रिजल्ट नहीं, इतने रिजल्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, 15 दिन में रिजल्ट चाहिए, 20 दिन में रिजल्ट चाहिए, एंड अगर वो रिजल्ट नहीं आता तो यार फिर वो डिप्रेशन चलाते हैं, एकदम से बंद कर देते हैं जिम जाना, तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। तो अगर आप फिटनेस में हो तो सबसे जो बड़ी चीज़ है ना वो पेशेंस होना चाहिए, तो पेशेंस बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है, तो पेशेंस रखें। बट बात अभी फिलहाल वो नहीं है, बात है अभी सो के उठ के आया हूँ मैं एंड मेरे पास अभी पैकेज डिलीवर हुआ है, सो एक बार पैकेज खोल के दिखा दो इसके अंदर क्या है। दिस इज टाइम, तो भाई साहब इसके अंदर है फिटनेस यूट्यूबर के साथ साथ मैं फैशन ब्लॉगर, तो ये टी शर्ट रोज की रोज एक ही टी शर्ट में अब सामने आ जाऊँगा तो अच्छा लगेगा, तो टी शर्ट भी चेंज कराने चाहिए ना कि दिखना चाहिए कि आपको यूट्यूब से पैसा आ रहा है, बट ऐसा कुछ है नहीं। ये मैंने मंगाई है क्लब फैक्ट्री से, मुझे कितने की पड़ी, सस्ती है 310 रुपये की पड़ी है, और चल रहा था शायद कुछ, तो दिखाता हूँ। सो इट्स लुक लाइक समथिंग दिस, इस तरह में एक बार मैं आपको पहन के फिर दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड। सो बूम, कुछ इस तरह की टी शर्ट है, सही बिल्कुल फिटिंग आ गई है, बढ़िया फिट। तो एक पहले ये दिखाने की मुझे एक दूसरी एक और वजह थी, जो कि ये मैंने मंगाया क्लब फैक्ट्री से, तो जो ये है क्लब फैक्ट्री होगी, बैंगूट होगी, आपकी अली एक्सप्रेस होगी, तो 3-4 इस तरह की जो साइट्स हैं वो हैं इंटरनेशनल साइट्स हैं। तो मेरा एक याद है, मेरी पुरानी याद है इनसे रिलेटेड, तो मैं एक बार आपसे शेयर करना चाहता था कि एक्चुअली जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, मैंने मंगाया था एक्शन कैम मंगाया था अपना, तो वो मैंने मंगाया था बैंगूट.com से। तो उसमें क्या हो गया था कि कुछ साइट्स में आपको ना ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ती है पहले ही, तो वो अराउंड 19 या 20 हज़ार का मैंने मंगाया था, तो उस टाइम मैंने ऑनलाइन पेमेंट करी थी उसकी। तो ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद 1 या 1.5 महीने तक मुझे नींद नहीं आई थी क्योंकि कोई उनका रिप्लाई नहीं आया था उस तरफ से भाई, क्योंकि यार इंटरनेशनल से आ रहे तो टाइम तो लगता ही पहली बात तो, एंड एक रिस्क भी होता है कि यार बाहर से मंगा रहे हैं तो अगर ना आए तो क्या करेंगे, तो एक रिस्क पे मैंने मंगा ली थी वो चीज़। तो अराउंड 1 या 1.5 महीने तक कोई रिप्लाई नहीं आया उनका, ठीक है। बट उसमें एक चीज़ होती है ट्रैक, हम उसको अपने शिप को ट्रैक कर सकते हैं कि भाई कहाँ पे पहुँचा है वो, कहाँ मतलब आप पता चल जाएगा कि वहाँ से कब निकला है, यहाँ कब पहुँचा है, आप तक कब आएगा, तो वो सब चीज़ उसके अंदर पता चल जाती है। तो मैंने ऑनलाइन वो चेक करा फिर, तो चेक में क्या बताया था कि वो रोहतक में आया, मतलब सिंगापुर से आया था, सिंगापुर से दिल्ली आया, दिल्ली से रोहतक आया, रोहतक से वापस वो दिल्ली चले गया। तो मैंने यार वो इंडियन जो पोस्ट होती है हमारी वहाँ पे आते, तो मैं वहाँ पे गया, उनसे मैंने कंफर्म किया कि भाई सर इस तरह का मेरा एक पैकेज आया हुआ था वो नहीं आया, तो उसने कहा कि पहले चेक कर लो अपना, वहाँ पे नहीं मिला मुझे। फिर हर एरिया का अलग कुरियर वो होते हैं उनके वहाँ पे, तो मैंने उनसे नंबर लिया उसका, तो मैंने उनसे बात करी भाई कि इस तरह का मेरा पैकेज आया था। उसने क्या बोला भाई, इतनी अनरिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मतलब लगी, उसने क्या बोला कि भाई हाँ भाई मेरे पास आया था, मैंने आपका घर ढूंढा, मुझे कब घर नहीं मिला, तो मैंने वो वापस कर दिया। मतलब उस आदमी को यार इतना मतलब उस यार ऑब्वियस ही बात है, उनको तो वो तो केयरलेस होंगे, उनको नहीं पता कि उस चीज़ के अंदर क्या है, क्या वैल्यू है उसके लिए, तो बिल्कुल ही मतलब वो वापस ही चले गया था, दिल्ली तक चले गया था वापस, तो अगर मैं नहीं ध्यान देता तो क्या होता, वो सिंगापुर वापस चले जाता, एंड वो वापस वहाँ से आने में क्या मुझे और कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है, क्या करना पड़ता। अगर आप ये ध्यान रखें कि अगर आप मंगा रहे हो ऑनलाइन तो मंगा सकते हो, बट थोड़ा सा एक सेफ साइड होकर चलें, एंड बस यही सी बात थी। इतनी सी टी शर्ट अच्छी लग रही होगी भाई के ऊपर। अब अराउंड 5:30 बज रहे हैं, आधे घंटे में जिम चलते हैं, तो मिलते हैं थोड़ी देर में।
सो नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद माई बैग, जिम बैग. तो पहली जो चीज़ होती है वो होती है हमारा शेकर. बहुत इंपॉर्टेंट है यार, डिहाइड्रेशन से बचाएगी आपको. पानी इसमें से कैरी करें, अच्छे नहीं लगोगे वहाँ पे भीख मांगते हुए कि दूसरों की बोतल से पानी पीते हुए. तो पहली चीज़ ये कैरी कर लेना. दूसरा टावल, गर्मियाँ बहुत हो रही हैं तो जाते हुए यार बहुत देखते हैं जिम, जो जौन सी भी जहाँ भी एक्सरसाइज करेंगे वहाँ पसीनों की बिल्कुल ढेर कर देंगे. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जाओ अपना पसीना सुखाओ एंड फिर जाओ. तीसरी, जिम वेस्ट बहुत कंफर्टेबल है, कोई भी मंगा लेना. मोस्टली मैं प्रीफर करता हूँ कि जब वर्कआउट करता हूँ तो जिम वेस्ट पहनता हूँ. थर्ड ये. फोर्थ ये कुछ बैंडाना टाइप है, ये हमारे बाल लंबे हो रहे हैं तो उसके लिए जरूरी पड़ता है, नहीं तो आँखों में आते हैं बाल. फोर्थ चीज़ ये. सो नाउ लेट्स गो टू जिम. तो भाई साहब हम निकले थे जिम जाने के लिए, अब मैं घर के बाहर बैठा हूँ यार, मुझे 20 मिनट हो गए बैठे बैठे, भसड़ हो गई दिमाग की. क्या कह रहा था मैं कि जो कोई जिम पार्टनर होना चाहिए वो सबसे ज़्यादा पंचुअल होना चाहिए, है ना. तो भाई 20-25 मिनट हो गए यहाँ बैठे बैठे. वो तो जब से नितिन कह रहा है कि आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ और यहाँ बैठा रखा है, भसड़ हो गई दिमाग की. आने तो उसको बढ़िया तरह सुनाऊँगा आज मैं. एंड पीछे आप देख रहे होगे जुड़वा खड़ी है हमारी, काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि यार इसके ऊपर वीडियो बनाओ. तो आ जाएगी कमेंट, कमेंट नहीं आ जाएगी, आ जाएगी वीडियो. एंड एक जो गुड यूट्यूबर होता है वो अपने सब्सक्राइबर की सुनता है, वीडियो आ जाएगी. एंड पीछे हमारी ओल्ड बाइक, ये हमारी न्यू बाइक. यानी उसको मैंने तो उसको सुनाता हूँ मैं, बढ़िया बढ़िया नई वाली और पुरानी वाली दोनों गाली सुनाऊंगा आज. तो सर हमें कुछ फर्स्ट टाइम टाइम पे रेडी, आधा घंटा हो गया वेट करते करते. क्या पता क्या हो गया, देख शक्ल देख लो इसकी, शर्म नहीं है इसको थोड़ी भी. सनातन दरवाजा करते टाइम मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि यार जिम में तो यार सॉन्ग वॉन्ग चलते हैं यहाँ पे. एंड वैसे हम तो हैं तो हम डीट जिम गाने बंद करा सकते हैं बट दूसरों का ख्याल रखना पड़ता है. तो अभी बताऊंगा मैं कि कौन सी मैंने एक्सरसाइज करी है एंड क्या क्या मूवमेंट होनी चाहिए. तो जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी ना वो दिखाता हूँ. वैसे इतना ही वेट लगता है मुझसे दिखाने के लिए, सिर्फ इतना वेट ले रहा हूँ मैं. ये हमारी होगी फ्लैट बेंच प्रेस एक्सटेंशन. तो इसकी जो मूवमेंट है ना यार बहुत मतलब थोड़ी ऑकवर्ड सी मूवमेंट होती है, तो इसमें ईगो लिफ्टिंग ना करें, जितना हो सके उतना ही मिनिमम वेट वेट से ट्रेन करें इसमें. तो इसकी पोजीशन क्या होगी, जो हमारी इसमें एल्बो है ना बिल्कुल स्टक रहेगी, एल्बो का मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहिए, सिर्फ ट्राइसेप्स की मूवमेंट होगी इसमें. पूरा पूरा ऊपर आना है हमें, पूरा नीचे स्ट्रेच होनी पूरी तरह से. मैंने देखा कि यार इसमें मूवमेंट बहुत लोग गलत करते हैं, मतलब ट्राइसेप्स पूरा हिलाते हैं, वो ना करें. इसमें जो हमें एल्बो है एक जगह लोक रहेगी, सिर्फ ट्राइसेप्स की मूवमेंट होगी. तो पहली एक्सरसाइज हमारी ये थी. जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज जो मैंने की थी वो है, दिखाने के लिए मैं सिर्फ छोटा डंबल ले रहा हूँ, वैसे तुम्हारा भाई 30-35 मारते हैं. तो ये होगी हमारी डंबल ट्राइसेप एक्सटेंशन. तो सेम इसमें मूवमेंट वही होगी हमारी, नहीं हमारी एल्बो हमारी लोक होंगी एंड ऑल द अप नीचे
पूरा ऊपर आएगा इसमें। एंड जितना स्लो उतना ट्राई करें कि मतलब अपने ट्रेसेस को कंस्ट्रक्शन जितना हो सके उतना बनाने की ट्राई करें, तो पूरा नीचे एंड पूरा ऊपर। ये आप सिंगल हैंड भी मार सकते हैं, वैसे मैं प्रीफर करता हूँ डबल हैंड ही, मतलब प्रीफर करता हूँ मैं। तो दो एक्सरसाइज हो गई हमारी, जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज थी वो ही थी। थर्ड थी हमारी केबल ट्राइसेप एक्सटेंशन, तो केबल इसमें भी सेम भाई नहीं, हमारे एल्बो भाई लोगों की पूरा नीचे पूरा जितना उसके उतना स्ट्राइक, पर ऊपर आते वक्त थोड़ा स्लो लेना है हमें इसमें, नीचे तक बूम पूरा नीचे, ऊपर स्लो नीचे थोड़ा फास्ट कर सकते हो। इसमें वेरिएशन है कि अगर केबल ट्रेसिव एक्सटेंशन करते हो या सिर्फ या फिर आप रोप ले सकते हो, जो रोप की मूवमेंट होगी तुम्हें क्या करना है सेम वही नीचा तक, तो सेम वही करना है। बट आते हुए एक बार रिश में ध्यान देना कि जो ये हमारी थोड़ी थोड़ी इसमें बाहर की साइड में थोड़ी सी खोलनी है हमारी नीचे जाए वो, सॉरी मतलब रिस्ट देख सकते हो आप ऑल दर ऊपर पूरा ऊपर स्लो आना है नीचे। तो ये चार एक्सरसाइजें जो मैंने अभी करी हैं, इसमें वेरिएशन और भी एक्सरसाइज हैं, मैं आपको डे बाई डे और बताता रहूँगा कि और कौन सी एक्सरसाइज हैं, लेकिन जो मोस्ट मतलब मेनली है कि चार एक्सरसाइज हैं। एंड एक चीज़ और क्वेश्चन एक जो पूछ रहे थे कि जो जिम बेस्ट पहनते हैं कि मतलब मोस्ट लोग कहते हैं कि शौक के लिए पहनते हैं, आई एग्री कि शौक के लिए पहनते हैं यार, वर्कआउट कर रहे हैं तो शौक तो बनता ही है। बट दूसरी जो मेरी प्रेफरेंस जो मेरी चीज़ है, मैं सोचता हूँ कि जिस जो बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज मैं करता हूँ ना वो विजिबल होनी चाहिए। लाइक इसमें हमारे मैं अगर बाइसेप्स कर रहा हूँ तो मेरे बाइसेप्स भी विजिबल हैं, ट्राइसेप्स विजिबल हैं, बैक विजिबल हैं, शोल्डर विजिबल हैं। तो मेरी मेंटेलिटी है कि मैं जब एक्सरसाइज करता हूँ तो मुझे मेरी जो बॉडी पार्ट जो वर्कआउट कर रहा हूँ मैं तो वो दिखनी चाहिए। लाइक इस तरह अगर जो मैं लेग्स करता हूँ तो मैं शॉर्ट्स पहनता हूँ, तो इस मतलब कोई प्रीफर नहीं करता शॉर्ट्स में और इसमें वेस्ट में, बट मैं मेरी पर्सनल मैं प्रीफर करता हूँ कि मैं जो बॉडी पार्ट करता हूँ वो विजिबल होना चाहिए। तो एक ये चीज़ थी। अब टाइम काफ़ी हो गया, लेट हो रहा हूँ मैं डाइट के लिए, अब चलते हैं घर, बाकी बातें करते हैं। तो भाई बस अब जिम से आके जस्ट एक शावर, अभी शावर लिया जिम से आने के बाद। एंड भाई जो जो बंदे जिम से आके शावर लेते ना रियली गोना जज यू यार, तो 5 मिनट लगते हैं यार, क्यों करते हो, कर लिया और शावर ले लिया और शावर है। मुझे तो यार एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही पसीने आते हैं, तो पता नहीं कुछ ज़्यादा ही हॉट हूँ मैं, क्या 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 पंगा है, मुझे एक्स्ट्रा पसीने आते हैं, मुझे नहा के आए हुए पसीने आने स्टार्ट हो गए मुझे। तो मैं तो 2 या 3 दिन बाद भी शावर लेता हूँ, तो थोड़ा अपने हाइजीन अपने पास ही अपने हाथ में है, तो कर लिया और शावर ले लिया करो। एंड अभी टाइम है पोस्ट वर्कआउट मील का, तो अभी चलते हैं रसोई में एंड अपना मील बनाते हैं। भाई साहब इस घर में होते हैं मेरे साथ भेदभाव, जो ये तवा ये मेरा है एंड वो है बाकी घर वालों का। एक्चुअली अगर आपको नहीं पता है तो इस घर में सिर्फ मैं ही हूँ जो अंडे खाता हूँ, हमें ये पाप करते हैं, बाकी कोई नहीं खाता है, तो ये तवा अलग है मेरे लिए। तो अभी मैं बनाने वाला हूँ ऑमलेट, 2 मिनट 2 अंडे लूँगा मैं, एंड जो उसका येलो पार्ट है वो यूज़ नहीं करूँगा मैं, सिर्फ व्हाइट पार्ट यूज़ करूँगा, क्योंकि इसमें हमें प्रोटीन चाहिए, फैट वगैरह नहीं कंज्यूम करना है अभी पोस्ट वर्कआउट में, तो सिर्फ व्हाइट पार्ट लेंगे। एंड यहाँ पे मैंने ये प्याज और टमाटर काट कर दिए हैं, तो मैं बना लेता हूँ मैं, फिर मिलते हैं। सब यहाँ रखा है लैपटॉप, ये सिर्फ शो मारने ले रहा है, कोई काम नहीं इसमें भी। मेल हो गए तैयार, एक बार ये ऑमलेट की हालत देखो, एक बार दिख रहा है कहीं कहीं किसी एंगल से ऑमलेट, अराउंड 4 या 5 दिन से मैं बना रहा हूँ ऑमलेट, इतना बढ़िया बन रहा है। बट आज वीडियो बना रहा था ना, तो देखो क्या हालत हो गई है, मतलब सच में किस्मत ख़राब बोलो क्या बोलो, लोल हो गया आज तो मेरे साथ, क्या बना है ये ऑमलेट, कम हुई है भुजी ज़्यादा लग रही है इसकी। एंड वैसे बता दूँ कि इसमें सिर्फ मैंने सिर्फ वाइट जो पोर्शन है वो यूज़ करा है, येलो पोर्शन यूज़ नहीं करा, टमाटर प्याज एंड ब्रेड यूज़ करा है, ब्राउन ब्रेड यूज़ करा है, ब्राउन भी कर सकते हो, नॉर्मल भी कर सकते हो, जिस जैसे भी आपकी पसंद है कोई भी ब्रेड यूज़ कर सकते हो। साथ में है हमारे फ्रूट्स, इसमें सेब है, केले हैं और अमरूद है, तो ये खाएंगे एंड अब ये जैसा बना यही खाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तो ये है मेरी पोस्ट वर्कआउट मील। एंड जो अंडे वगैरह मैंने अभी 3 या 4 महीने हुए हैं अभी स्टार्ट करे, मैंने उससे पहले मैं एग्स भी नहीं खाता था,
बिकॉज क्योंकि सप्लीमेंट यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं यार प्रोटीन का कोई ना कोई सोर्स तो चाहिए मुझे, तो मैंने स्टार्ट करा है, सोच रहा हूँ मैं प्रोटीन सप्लीमेंट स्टार्ट करने की। सो अराउंड आई गेस नेक्स्ट मंथ से मैं स्टार्ट करूँगा सप्लीमेंट, लेकिन जैसा भी होगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल तो यही है हमारा खाना, यानी जैसा भी है गला पला यही खाना पड़ेगा। बहुत ही माड़ी किस्मत है मेरी। बस ये ख़त्म करते हैं, एंड इफ़ यू वॉन्ट कि और मैं मील्स अपनी बताऊंगी मैं पूरे दिन भर में क्या खाता हूँ, सो लेट मी नो, कमेंट कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जाते जाते हमारा बाइसेप्स का पोज, एक मिनट इसमें कंजूसी नहीं, सो जाते जाते हमारा बाइसेप्स का पोज। सो बी ऑलवेज मोटिवेटेड एंड राइड सेफ, दिस इज राहुल साइनिंग आउट, बाय बाय।